लोग राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। जानिए इसके पीछे का गूढ़ रहस्य। जी हाँ, आपने अपने आसपास तमाम लोगों को देखा होगा जो नमस्कार या फिर नमस्ते नहीं बल्कि राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। हम सभी उन्हें राम राम बोलकर ही जवाब देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर राम शब्दों को दो बार कहने का और कहकर ही अभिवादन क्यों किया जाता है। यहाँ जानिए इसका जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, हिंदू धर्म में राम के नाम को मोक्षदायी माना गया है, इससे लोग सुबह उठकर एक दूसरे से राम राम बोलते हैं, किसी से मिलने पर राम राम बोलकर अभिवादन भी किया करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभिवादन करते समय राम के नाम को दो बार क्यों बोला जाता है? सिर्फ राम बोलने से भी तो अभिवादन किया जा सकता है, फिर राम राम क्यों बोला जाता है? चलिए जानते हैं। दरअसल दो बार राम राम बोलने के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है, इसलिए राम राम कहने की प्रथा पुराने समय से चली आ रही है, आज भी विद्वान है और आगे भी इसे ऐसे ही दोहराया जाएगा। यहाँ जानिए राम राम को एक साथ कहने की आखिर वजह क्या है। राम राम से मिलता है एक माला जाप का पुण्य। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी मंत्र का माला से जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं, है ना? लेकिन एक माला में 108 मन के होती हैं। 108 की संख्या को बेहद शुभ माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राम कह देने पर 108 का योग बन जाता है, यानी राम राम साथ बोलते ही एक माला के समान माना जाता है। दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें तो रा 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और मा 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27 प्लस 2 प्लस 25 कितना होता है? 54। जी हाँ, और फिर 54 प्लस 54 यानी कि 108। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि राम कहने से एक माला जाप के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने माला में 108 मन की ही क्यों होती हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है, यानी कि 27। हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं। इस तरह अगर हम 27 का गुणा 4 से करें तो योग कितना आता है? 108, है ना? माना जाता है कि इस गणना के साथ ही ऋषि मुनियों ने 108 मनकों की माला का विधान तैयार किया। इस तरह माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 108 मनकों को लेकर ये मान्यता भी प्रचलित है कि माला के 108 मनकों को लेकर एक अन्य मान्यता बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है। इस मान्यताओं के अनुसार मनकों का संबंध सूर्य की कलाओं से होता है। एक वर्ष में सूर्य जो है 2160000 कलाएं बदलता रहता है और वर्षों में दो बार अपनी स्थिति की भी बदलता रहता है। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। 6 माह की एक स्थिति में 108000 बार कलाएं बदलता रहता है और कहा जाता है कि 108000 से पीछे के शून्य को हटाकर 108 मनके की संख्या तय की गई है। इस तरह देखा जाए तो माला का हर मन का सूर्य की अलग अलग कला का प्रतीक भी है। दोस्तों, आपको बहुत ही अचंभा होगा ये जानकारी लेने के बाद। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको 108
रहस्य का गूढ़ रहस्य पता चला है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जल्दी ही उपस्थित होती हूँ आपके समक्ष इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।